आज बात करेंगे इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल, सबसे यूनिक रूल्स वाली कंट्री की, जो कि हमारे मोटा भाई की है, यानी कि किम जोंग उन की कंट्री है। किम जोंग उन पूरी दुनिया की नज़र में कैसे भी हो, लेकिन वहाँ के बच्चों की नज़र में वो एक फरिश्ता है, क्योंकि वहाँ के बच्चों को यही पढ़ाया जाता है कि किम जोंग उन और उनके परिवार ने किस तरीके से उत्तरी कोरिया के लिए संघर्ष किया है। उत्तरी कोरिया में एक पारिवारिक शासन है, इसलिए वहाँ पर बाप, फिर बेटा, फिर उनका बेटा ही शासन कर सकता है। इसी प्रकार किम जोंग इल के बाद किम जोंग उन वहाँ के शासक हैं। अब अगर वहाँ पर कोई इंसान नई पार्टी बनाने की बात करता है तो किम जोंग उन उससे यही कहते हैं। चार बार बोले हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगा। किम जोंग इल की 2011 में हार्ट अटैक से मौत हो चुकी थी। इसके बाद वहाँ पे आज तक उनके डेथ सेरेमनी मनाई जाती है। क्योंकि उनकी मौत को 11 साल हो चुके हैं, तो इस बार वहाँ पे 11 दिन तक डेथ सेरेमनी मनाई जाएगी। अब इस 11 दिन तक आपका नए ग्रोसरी आइटम खरीदना बंद, 11 दिन तक आपका हंसना बंद, और 11 दिन तक हर वो एक्टिविटी करना जो आपको खुशी दे बंद। अब इतना तो बनता है, क्या आप किम जोंग उनके पूज्य पिताजी किम जोंग इल के लिए क्या इतना सा भी नहीं कर सकते? क्या कोरियन बनेगा रहे तुम? और अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको भी किम जोंग इल के पास ही पहुंचा दिया जाता है। समझ रहे हो? बिल्कुल सही सुना आपने। और वहां के न्यूज चैनल भी किम जोंग उनकी तारीफों के फूल बांधते दिन भर नहीं थकते। लेकिन हम उन न्यूज चैनल्स को गलत नहीं कह सकते, क्योंकि वो मोटा भाई के न्यूज चैनल है। वैसे न्यूज चैनल तो हमारे यहाँ के भी किसी से कम नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दे।